पेश है हिंदी जबान में अपडेट। 1947 का नरसंहार 6 नवंबर जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक सबसे अंधकारमय दिवस है। नवंबर 1947 में डोगरा शासकों के बलों, भारतीय सेना तथा अतिवादी हिंदुओं द्वारा जम्मू में सहस्त्रों मुसलमानों का रक्तपात किया गया। जम्मू नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस प्रकार का पहला भीषण नरसंहार था। कश्मीरी प्रतिवर्ष जम्मू शहीद दिवस जम्मू के मुसलमानों के बलिदानों की स्मृति में मनाते हैं। जम्मू के मुसलमानों के इस निर्मम नरसंहार का लक्ष्य जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बदलना था। जम्मू के मुसलमानों द्वारा दिए गए बलिदान कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं। जम्मू के मुसलमानों के भीषण रक्तपात के घाव कश्मीरियों की स्मृति में आज भी ताजा हैं। 1947 का जम्मू नरसंहार हिंदुत्व बलों के आपराधिक रूप का चिन्ह है। 1947 में जम्मू से आरंभ होने वाले बलिदानों की श्रृंखला भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में आज भी निरंतर चल रही है। गत 76 वर्षों में 5 लाख से अधिक कश्मीरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय बलों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। विश्व समुदाय को कश्मीरियों की निर्मम हत्या को बंद करने के लिए तुरंत पग उठाना चाहिए। कश्मीरी भारतीयों की पाश्विकता का साहस तथा वीरता से विरोध करने के लिए तत्पर है। मोदी शासन को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में इसके युद्ध अपराधों तथा मानवीयता के विरुद्ध अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।